है, तो अभी देखें कि सिर्फ 17 स्टूडेंट्स हैं अभी, उधर धीरे धीरे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ये स्टार्ट कर दूं मैं फिर? अब अगर 18 ही है स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए, मैं अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया, एक तो फादर म्यान में लगा भी लेंगे अटेंडेंस, और अब जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने मल्टीपल रिग्रेशन को जो है वो पढ़ा था। सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, जी जी सर, यस सब सर, बोले गैस के हैं। दोबारा यस मैं सर, क्वेश्चन पूछता हूँ, यस सर, दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, मैं देखूंगा जी कि सर, सब लोग बोलते हैं कि नहीं। सब लोग जो है वो अटेंटिव होके बैठे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं। यस यस सर, यस यस सर, सर, जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा जी, तो मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो आपने किया था, मल्टीपल रिग्रेशन जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो आपने परफॉर्म किया था। जी सर, नहीं बोल ही नहीं रहे, आप लोगों की तरफ से कोई बातचीत नहीं होगी तो मैं भी पढ़ाना बंद कर दूंगा, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है पढ़ाना आपको। बताएं, मल्टीपल रिग्रेशन कितने लोगों ने किया जी था? सर, वो यस के हैं? जी सर, जी सर, किया था यस सर, यस सर, किया यस सर, जी जी सर, सर, किया था, यस सर, सर, कितने लोगों ने नहीं किया था? नो के हैं? अच्छा, तो क्या समझ आया मल्टीपल रिग्रेशन से, कौन बताएगा? मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में कौन बताएगा? अच्छा, कोई नहीं बताएगा,
हाँ जी आप बताएं हफ्ता, आप बताएं क्या है मल्टीपल रिग्रेशन। हफ्ज़ा आवाज आ रही है मेरी आपको? सर मल्टीपल रिग्रेशन जो है लीनियर रिग्रेशन की एक एक्सटेंशन है, इसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू। शेर साहब एक मिनट, आपको आपसे मैंने क्वेश्चन नहीं किया। जी सर मैंने हफ्ज़ा से किया है। हफ्ज़ा आप बताएं। जी सर मैं बता रही। सर जब हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और हमारे पास जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तब हम वहाँ पर मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं। बहुत सारा टाइम लेते हैं। हाँ जी ये तो कोई बात नहीं कि बहुत सारा टाइम लेते। अदनान चौधरी, अदनान बात सुन रहा है? जी सर लिसनिंग। क्या होता है मल्टीपल रिग्रेशन? बोले सर, जिसके अंदर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, डिपेंडेंट वेरिएबल हों और उसकी वैल्यूज हम फाइंड करना चाहते हो। डिपेंडेंट या डिपेंडेंट? सॉरी सर मोर देन वन इंडिपेंडेंट। एक मिनट हफ्ता, अब आप बात कर दें भाई। सर डिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। जी सर दोबारा बोलें अपने मुँह। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होने चाहिए? मुझसे जी 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 आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी अदनान साहब आपसे पूछ रहा हूँ। सर मोर देन वन होते हैं ना, मोर देन वन उस पे बेटा आपने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, आपको टॉपिक का ही नहीं पता। सर मैं बताती हूँ, आपने बताना हो तो आप बता देती हैं, आप तो जो है वो नहीं मैं बता रही हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है वो देखते हैं। अदनान साहब नहीं पढ़ा आपने बिल्कुल भी। हीरा मंजूर, हीरा मंजूर आवाज सुन रही मेरी? जी सर सुन रही हूँ। सर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं इसमें। अच्छा तो और क्या क्या इसमें आपने देखा और क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? और सर इसमें अगर हम वैसे देखें रिग्रेशन को तो दो तरह की रिग्रेशन होती है, एक होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और मल्टीपल में तो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंड कर होते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फिर हम इसके बाद हम मॉडल डिवेल्प करते हैं, मॉडल को डिवेल्प करने के दो मैथड होते हैं, एक फॉरवर्ड एलिमिनेशन होता है और एक होता है बैकवर्ड एलिमिनेशन मैथड। फिर जब मॉडल डिवेल्प हो जाता है तो जैसिम शाह आप बताएं, जब मॉडल डेवलप हो जाता है तो फिर आगे क्या होता है? सर मॉडल को हम
आर स्टूडियो के अंदर हमने ट्रेन किया था इसके रिग्रेसर के थ्रू LM फंक्शन के ज़रिए, और इसे ट्रेनिंग डाटा दिया था, तमाम इसको हम वेरिएबल देते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और ट्रेनिंग सेट देते हैं। फिर ये हम एक प्रेडिक्टेड जो है वो वैल्यू समरी के फॉर्म में शो करता है। फिर उनमें से हम एक एक वेरिएबल को रिमूव करके देखते हैं, और जहाँ तक हमारा एक वो वेरिएबल, मेरे सर वो जहन से निकल गया, एक वेरिएबल की वैल्यू सर बढ़ते बढ़ते जब कम होने लगते तो फिर हम उधर वहाँ पर रोक देते हैं। उसकी उसका नाम जो है सना फातमा बताएंगे। सना फातमा मुझे सुन रही हैं? जी सर सुन रही हूँ। आप बताएं कि अभी जैसिम शाह ने ये कहा कि वो एक ऐसा मैट्रिक है जिसकी वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते कम होने लगे तो हम वहाँ पर वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना बंद कर देते हैं। वो कौन सा हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल मैट्रिक है जिसको हम जो है वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? बोलें सर, एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखते हैं। हाँ, एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखते हैं। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखते हुए हम जो हैं वो इस सारे काम को जो हैं वो परफॉर्म जो हैं वो करते हैं। ये 21 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, और क्या बाकियों को पता नहीं है? वो मैंने शायद लिंक शेयर किया हुआ है, वो अब सबको मैसेज है ना अली इरशाद? जी सर, मैंने फेसबुक शेयर कर दिया, ग्रुप जो हमारा है ना बना हुआ तो वहाँ शेयर कर दिया। वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स का अभी शो आ रहे हैं सर, उन्हें अपने अपने लॉगिन दे दें ताकि वो लॉगिन हो सकें काइंडली। जी सर। चलिए सर, टीम पर तो सर एट अ टाइम एक ही लॉगिन होता है। मैं ट्राई किया कि मैं लैपटॉप पे ट्राई किया तो लैपटॉप पे लॉगिन नहीं हो रहा, मोबाइल पे लॉगिन है। तो हो जाते हैं। चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ, दे देता हूँ लॉगिन। या ऐसा कर लें कि जो दूसरी क्लास है जो सर के साथ क्लास ले रही है जी सर, वो उनको उनमें से एक दो पे लॉगिन यूज करवा लें। चलिए ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ सर। कहते हैं जरा इसको, और जरा आप लोग अपना प्रीवियस लेक्चर पढ़ें। 10:00 स्टार्ट करते हैं, वो जो बाकी बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते देर में इशू सॉल्व कर दें। 10:00 में स्टार्ट कर दूंगा सर। मैं सारा अशरफ की आईडी से लॉगिन हुई हूं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया आप सारा अशरफ की आईडी से लॉगिन। थोड़ा अटेंडेंस लगा लीजिएगा। मेरे अटेंडेंस में लगाऊंगा, आप बेफिक्र हैं।
सर एक दो क्वेश्चन पूछने थे, पूछ लूं? हाँ जी, हाँ जी पूछें। सर ये मुझे मशीन लर्निंग की अभी जनरल सेंस में कुछ समझ नहीं आई कि ट्रेनिंग से क्या मुराद है, इसके अंदर क्या ऐसा एल्गोरिदम है, कोई मेमोरी राइज करता है, क्या करता है ये, या कोई इफेल्स लगे होते हैं? इसी तरह से मशीन लर्निंग भी अभी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मशीन लर्निंग कर क्या रही है, थोड़ा सा जनरल सेंस में बता दें। एक्चुअली देखें कि जो हमारे पास जो भी एल्गोरिथम होता है उसमें हम डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा जो एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का वो उस डाटा के थ्रू जो है वो लर्निंग करता है कि ये जो डाटा सेट है, सपोज हमने जो है वो पोजीशन दी, सैलरीज दी, या चलें पोजीशन और सैलरी ही ले लें कि हमने पोजीशन दी और सैलरी दी, तो हमने उसमें एक में किया था कि लेवल से हमारे पास, और या इसको ऐसे ले लें कि प्रॉफिट था हमारे पास और परचेज था हमारे पास, और उसके साथ साथ हम कोई सा भी फैक्टर ले लें, एज ले लेते हैं, एज और परचेज को हमने जो है वो मशीन को दिया, तो मशीन ने ये देखा कि किस एज के लोग जो हैं वो परचेज जो हैं वो कर रहे हैं, ऑलरेडी जो लोगों का बिहेवियर है वो क्या है, उस बिहेवियर को मशीन के एल्गोरिदम ने स्टडी किया, और उस एल्गोरिदम को स्टडी करने का तरीक़ाकार क्या है, थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो मशीन जो है वो स्टडी करती है, और उस एनालिसिस के बाद जो है वो मशीन अपने अंदर एक कंक्लूजन जो है वो क्रिएट करती है, एक मॉडल जो है वो जनरेट करती है। फ्यूचर में जो भी प्रेडिक्शंस हम करना चाहते हैं तो वो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को उसी मॉडल जिसके ऊपर मशीन ट्रेंड हुई होती है, जिस डाटा के ऊपर, उसको उसके लिहाज से जो है वो फिर प्रेडिक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो ये इसका जो है वो सारा है कि मशीन ने डाटा से जो है वो ट्रेनिंग डाटा से अपने आप को ट्रेंड करना है। कैसे ट्रेंड करना है? थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल उसने जो है वो अपने आप को ट्रेंड करना है, और ट्रेंड करने के बाद उस एल्गोरिदम ने प्रेडिक्शन करनी है, थ्रू इफ एल्स नहीं, बल्कि उसने जो है वो प्रेडिक्शन ये करनी है कि ये जो प्रीवियस डाटा था उस मॉडल को सामने रखते हुए उसने फ्यूचर के डाटा की प्रेडिक्शन करनी है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि एज नंबर 20 जो है, मतलब 20 ईयर समझ लेना, तो 20 ईयर जो है वो उसकी परचेज वो करेगा, यस ठीक है, 30 वाला भी यस। अब जो है वो 20 से 30 के बिटवीन जो है कोई प्रेडिक्शन जो है वो अगर आपने करनी हो और आपके पास वो डाटा अवेलेबल ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? जारी बात है आप मशीन से प्रेडिक्शन करवाएंगे। अब मशीन से प्रेडिक्शन आप कैसे करवा सकते हैं? पहले आपने मशीन को ट्रेंड किया हुआ है, आपने जो है वो डिफरेंट एजेस के ऊपर मशीन को ट्रेंड किया हुआ है, वो डाटा जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, मसलन आपके पास एक पर्टिकुलर एज जो है वो अवेलेबल नहीं है, आप ये प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं मशीन से कि क्या ये जो है वो पर्सन जो है वो परचेज करेगा कि नहीं करेगा, आप वो एज दे के प्रेडिक्ट के फंक्शन के थ्रू उसको जो है वो जब प्रेडिक्ट करवाएंगे तो आपको मशीन जो है वो प्रेडिक्शन मॉडल को सामने रखते हुए मशीन जो है वो प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेगी कि ये जो है वो करेगा परचेज के नहीं करेगा। आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो, हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन से जो चीज़ इतना डेविएट करती है उसको तो हम जो है वो समझेंगे कि ये चीज़ जो है वो मीन के करीब तरीन है, तो ये जो है वो ये वाला काम जो है वो परफॉर्म होगा, और जो भी चीज़ या जो भी डाटा मीन वैल्यू से इतना दूर होगा, इतने फासले पर होगा, तो हम कहेंगे कि वो जो है ये काम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह आप एक एग्जांपल समझ लें इसकी। जी अब बताएं, मॉडल डेवलप करने से क्या मुराद है? मॉडल तो ये तो जो हमने रिग्रेशन पढ़ा ये तो ऑलरेडी एक प्री बिल्ट मेथड है जी। स्टैटिक्स के अंदर जो मुराद यही है कि ये प्री बिल्ट मेथड जो है वो इंटरनली मॉडल ही डेवलप कर रहा है। मॉडल डेवलप करने से मुराद ये है कि वो अपने आप को मशीन जो है वो जो ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास एक्चुअल डाटा होता है, उस एक्चुअल डाटा को लेकर अपने अंदर थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल, जैसे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की एग्जांपल आपको दी,
थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल अपने आप को जो है वो मशीन ट्रेंड करती है, और जब वो ट्रेनिंग उसकी हो जाती है तो वो फिर फ्यूचर वाली वैल्यू की प्रडिक्शन करती है। तो फ्यूचर वैल्यू की प्रडिक्शन के लिए हम जो है वो एक मॉडल डेवलप करते हैं। उस मॉडल को डेवलप करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने एक रेग्रेसर डेवलप कर लिया, एक मॉडल डेवलप कर लिया, तो हमने जो है वो कोई ख़ास स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हुए हमने जो है वो अपना प्रीवियस डाटा उस मॉडल को दिया, उस मॉडल ने जो है वो उस प्रीवियस डाटा के थ्रू अपने आप को ट्रेंड किया, और नेक्स्ट जो भी फ्यूचर वैल्यूज होंगी वो जो है वो उसी मॉडल को सामने रखते हुए उसकी जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। सर अगर मुझे कहा जाता है कि मॉडल डेवलप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे ये जो स्टैट के जितने भी मॉडल्स बने बनाए ये सारे यूज़ करके ये देखना होगा कि कौन सा बेटर प्रेडिक्ट करता है, इससे यही मुराद होगा ना? यही हम कर रहे हैं, यही एक्चुअली हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स को हमारा टारगेट होता है इसमें पढ़ना, ठीक है। जिस दिन मैंने आपको पहले दिन मशीन लर्निंग पढ़ाई थी तो उस दिन मैंने आपको यही बताया था कि मशीन जो है वो थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो अपने आप को ट्रेन करती है, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन में, ठीक है। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया था कि मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, कि मशीन जो है वो थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो अपने आप को ट्रेन जो है वो करती है। तो ये हमने जो है वो उसका पहला लेक्चर जो है वो देखा था। ये हमने जो है वो AI की मेजर डेफिनेशन हमने देखी थी कि मशीन के अंदर थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करना, ये AI कहलाता है। और AI को जब हम थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं, मशीन को थिंकिंग पावर जो है वो जो है वो थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रोवाइड करते हैं, तो इसको जो है वो हम जो है वो मशीन लर्निंग कहलाती है। स्टैटिस्टिकल मॉडल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी जो प्रीवियस नॉन डाटा होता है उस डाटा को यूज़ करते हुए अपने आप को ट्रेंड करते हैं, और फिर जो है उसी जो है वो रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए जो फ्यूचर प्रडिक्शंस हैं वो हमें परफॉर्म करते हैं। वो फ्यूचर प्रडिक्शन कितनी बेहतर परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो है डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वो स्टैटिस्टिकल मॉडल कितना परफेक्ट है उस तरह के डाटा के लिए। यही जो है वो आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो मैन्युअली तौर पर नहीं बनाना, आपने जो है वो जारी बात है बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने हैं। आपका काम क्या है कि आप डाटा को ऑब्जर्व करते हुए कि ये डाटा जो है वो किस तरह के स्टैटिस्टिकल मॉडल के ऊपर जो है वो हम किस तरह का स्टैटिस्टिकल मॉडल इस तरह के डाटा के ऊपर हम प्रोवाइड जो है वो यूज़ करें तो ये हमें जो है वो बेस्ट रिजल्ट जो है वो मॉडल प्रोवाइड करेगा, बेस्ट फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्शन करेगा। तो ये आपने जो है वो देखना होगा, यही आपका जो है वो काम होगा उसमें, ठीक है। तो आपने जो है सारी बात है उन मैथमेटिकल मॉडल उन स्टैटिस्टिकल मॉडल को मैनुअल वे में तो परफॉर्म नहीं करना, उसके लिए आपने बिल्ट इन एल्गोरिदम्स ही यूज़ करने हैं। मगर आपकी एक्सपर्टीज़ ये है कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। तो अभी हम जो हैं वो पढ़ेंगे जो है वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन आज का हमारा टॉपिक है, तो इससे भी आपको आइडिया होगा, ठीक है। स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर भी होता है, स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेसर भी होता है, ठीक है। तो इन सारे मॉडल्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो देखेंगे कि कौन सा मॉडल हमारे किस तरह के डाटा के लिए बेहतर है, उस तरह का मॉडल हम जो है वो चूज़ करेंगे और उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि ये मॉडल हमने यूज़ किया, हमें इस तरह की फ्यूचर प्रेडिक्शन मिल रही हैं, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन हमारी जो प्रीवियस जो डाटा है उसके बहुत क्लोज जस्ट हैं, तो इसलिए ये मॉडल जो है वो परफेक्ट है। जी बोलें। ठीक हो गया सर। ठीक सर, नहीं अभी अगर सेटिस्फाई है नहीं है तो क्वेश्चन कर लें यार। सर असल में बस ये टर्म्स कंफ्यूज करती हैं, मशीन लर्निंग की मशीन कैसे लर्न करती है, जिस तरह ह्यूमन लर्न करता है
इसी तरह से ट्रेन ह्यूमन को तो कराया जा सकता है, मशीन कैसे ट्रेन होती है ये कंफ्यूज करती है टर्म, जिस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग हमें कंफ्यूज करती है कि क्लाउड क्या चीज़ है, तो वैसे ही ये थोड़ा सा जहन में था। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन का लेवल कम हुआ या मजीद कन्फ्यूज हो गए? नहीं नहीं सर, अब कुछ बेहतर समझ आ गई है। अच्छा चलें, आज का मॉडल आप देखेंगे तो आपको, मेरे ख्याल में मैंने अभी आपको प्रेडिक्ट फंक्शन ही पढ़ाया, अनफॉर्चुनेटली वो मैं भूल गया उस वक्त, वहाँ पर जिक्र कर देना चाहिए था मुझे। तो आज प्रेडिक्ट फंक्शन जो है वो आज के मॉडल्स के साथ साथ हम अक्सर यूज़ करेंगे। प्रीवियस मॉडल्स के ऊपर जो हमने लीनियर और मल्टीपल पढ़ा है वहाँ पर भी आप प्रेडिक्ट का फंक्शन यूज़ करके देख सकते हैं। तो सर किया था प्रेडिक्ट, सर वो लास्ट प्रेडिक्ट ही था लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, अच्छा वो हमने जो है वो प्रेडिक्शन बिल्कुल की थी, मुझे याद आ गई कि प्रेडिक्शन तो हमने परफॉर्म की थी, मगर उसमें हमने जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर परफॉर्म नहीं की थी, हमने जो है वो टेस्ट सेट के ऊपर परफॉर्म की थी। टेस्ट सेट इसलिए बनाते हैं कि टेस्ट सेट में हमारे पास एक्चुअल डाटा भी होता है, एक्चुअल जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो भी होती हैं, और हम जो हैं जो अपना मॉडल ट्रेंड कर चुके होते हैं ट्रेनिंग सेट के ऊपर, उसी मॉडल के थ्रू उसी मॉडल को जब हम अपने जो हैं वो टेस्ट सेट की वैल्यूज़ देकर उससे वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करवाते हैं, तो फिर हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को ऑलरेडी जो हमें वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअल वे में मिली होती हैं उनसे कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू या प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से कितने डिस्टेंस पर है। तो यही इसका जो है वो बेसिक पर्पज़ है। जब भी हम अपने डेटा सेट को दो सेट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि ये हमारे पास जो है वो नॉन डाटा है, ये हमारे पास जो है वो ऐसा डाटा है जो ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, हम जो हैं इसके दो पोर्शन बना लें, एक पोर्शन को हम मशीन को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर लें और एक पोर्शन को हम मशीन को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर लें। वो पोर्शन जिसके ऊपर हम मशीन को ट्रेन करते हैं वो ट्रेनिंग सेट कहलाता है, वो पोर्शन जिसके ऊपर हम मशीन को टेस्ट करते हैं वो टेस्ट सेट कहलाता है, और टेस्ट सेट जो है उसके अंदर हम जो हैं वो प्रेडिक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। तो टेस्ट सेट जो हमारे पास होता है इसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ भी होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, हम जो हैं वो जब प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ मशीन की होती हैं उन प्रेडिक्टेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके ये देख लेते हैं कि हमारी मशीन जो है फ्यूचर वैल्यूज़ की प्रेडिक्शन जो है वो कितनी बेटर वे में परफॉर्म करेगी और कितने परसेंट एरर हमें जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये जो है वो वजह है जिसकी वजह से हम दो सेट्स के अंदर अपने डाटा को डिवाइड करते हैं। हाँ जी ठीक है, क्लियर है बात? जी सर। चलें जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम ये बच्चे अभी तक 25 आए हैं। एहसन अहमद अवेलेबल है? एहसन यस अवेलेबल हो कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही एहसन आपकी, अब आप कहोगे माइक ख़राब है। तो जिन्होंने नहीं बोलना वो कहेंगे माइक ख़राब है। माइक ख़राब वाले बंदे को क्लास लेने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइक ख़राब के बगैर ऐसे ही है कि आप क्लास में आएँ और कोई क्वेश्चन ना करें। अली इरशाद तो बोल रहा है, अली yes, sir. अमानुल्लाह अवेलेबल हो? यस सर। अच्छा आमना कमल, अच्छा आमना कमल तो yes, बच्ची बीमार है। ठीक है बेटा, आप आपकी तबीयत का क्या हाल है? जी सर वैसे तो बेहतर है, खांसी बस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो बिल्कुल एहतियात करो, अल्लाह ताला तुम्हें आराम दे और एहतियात नहीं छोड़ ठीक है, और सारे जी सर हाँ सारे नुस्खे मेडिकल वाले भी देसी भी और हर तरह का नुस्खा जो भी आपने इसके ऊपर आपको लोग बताएं गाइड करें तो उनकी गाइडेंस से तो आप करते रहें, और जितनी क्लास अटेंड हो आप अटेंड कर लीजिएगा। अली इरशाद साहब आप बल्कि हफ्जा आप इनका रोल नंबर मुझे, आपका रोल नंबर क्या है? आमना
तो आपको आपसे जितनी क्लास आसानी से अटेंड हो आप अटेंड करके, अगर ना हो सके बाकी तो आप फिर मैंने रिकॉर्डिंग आपके लिए ऑन की है, ठीक है? तो आप आराम कर लीजिएगा, ठीक है? तो और दूसरा तारिक साहब को भी बता दीजिएगा अपने बारे में। जी सर। आमना जुल्फकार। यस सर। अरिबा शाहिद। यस सर। असद अजीज। क्लास में पार्टिसिपेट करना है, जब भी मैं यस या नो कहूँ तो क्लास में पार्टिसिपेट करना है। असद अजीज। यस सर। असद अजीज साहब अपना माइक दुरुस्त करें। चौधरी अदनान। यस सर। चौधरी अदनान नहीं बोल रहा। चौधरी अदनान भाग गया। अदनान जी सर। मैं चलें इसको लेफ्ट करवा देते हैं, रिमूव कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है ना, ये लोग करते हैं कि क्लास में लॉगिन होकर फिर भाग जाते हैं, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूं। और मैं अटेंडेंस भी एक पर्टिकुलर टाइम पर खुद से लगाऊंगा जब मेरा दिल करेगा। तो चौधरी अदनान के बाद कौन था? हाफिजा इकरा यूनस। बोले सर। प्रेजेंट हूँ मैं। ऊंची आवाज में बोले सर। फुल वॉल्यूम किया हुआ है लैपटॉप पर। अच्छा, तो लेक्चर सुनती रहिएगा और रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। तो हफ्ता बानो है। हीरा मंजूर। हीरा मंजूर सर। हीरा मंजूर अवेलेबल। अच्छा, तो अहद इम्तियाज। प्रेजेंट सर। बिलाल है। बिलाल जी सर। बिलाल प्रेजेंट सर। प्रेजेंट हूँ। अच्छा जी। फाहद जुल्फकार। प्रेजेंट सर। जैसिन शाह भी है, नाज मंजूर भी है और जी सर नाज मंजूर सर। रहमान। रहमान है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है मेरी? कौन एहसन यार? तुम यार क्लास में माइक बंद करके बैठे हो। आप तो आ रही है पहले। जब आपने सर मेरे नाम के ऊपर सर सर देखे गए हुए थे तो सर उस टाइम मेरा माइक भी ऑन था, आवाज मैं वहां से बोल रहा था, वहां से आवाज नहीं आ रही थी सर। वहां माइक भी यहां स्क्रीन पे शो हो रहा था कि ऑन हुआ है, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी सर। बिल्कुल शो हो रहा था, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको रिमूव नहीं किया। आप माइक ऑन कर रहे थे। ठीक है यार, ऑन नहीं था सर। मैं दोबारा ज्वाइन किया तो सर वो हो गया, सही हो गया। मुझे पता चल गया था, मुझे पता चल गया था। हमें भी समझ आ रही होती है यहाँ पे बैठ के, मसाइल का पता चल रहा होता है। जिसका मसला हो उसका भी पता चल रहा होता है, जो ना बैठा हो उसका भी पता चल रहा होता है। अभी अदनान चौधरी नहीं बैठा हुआ था तो इसका पता चल रहा था मुझे। ठीक है, तो मोहम्मद रहमान। यस सर। अच्छा मोहम्मद रहमान, तो ये बच्चा नाराज़ है मुझसे आज कल। नाराज़ हो कि सुला है? सर मैंने क्यों नाराज़ होना सर? अच्छा चलो ठीक है, नाराज ना होना, ठीक है। अच्छा रुबीना रब नवाज। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट रुबीना। साहिरा मलिक। प्रेजेंट सर। शजर मनीर। प्रेजेंट सर। सना फातिमा। प्रेजेंट सर। सारा अशरफ। जी सर प्रेजेंट। शोएब नवाज तो है। सोनिया नजीर। प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट। यस सर। अच्छा तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन के ऊपर ये हमारा आज का लेक्चर है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो क्या होता है इसको हम देखेंगे। देखें अभी
अभी हमने जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को देखा था। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन था और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वाई था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल से हमने जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल से हमने रिलेशनशिप जो है वो चेक किया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन आ गया। मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन के, मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, मगर आपने ये देखना है कि किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सेट का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, उन्हीं को आपने जो है वो अपने मॉडल के अंदर रखना है। जिनका इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है उनको आपने जो है वो रिमूव कर देना है अपने मॉडल से। तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमने देखा था, और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू हमें ये शो करेगी कि वो कौन से सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है वो है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। देखें पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो है इसे मल्टीपल रिग्रेशन की ही टाइप कहा जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही है एक्स वन, उसी के डिफरेंट हम जो है वो उसी का स्क्वायर ले रहे हैं, उसी का क्यूब ले रहे हैं, ठीक है, उसी की डिफरेंट पावर्स हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के बारे में भी ये कहा जाता है कि पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की एक स्पेशल टाइप है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मगर हम उसके जो है वो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। हम उसके जो है वो उसका जो है वो जो है वो वन का जो है वो उसका स्क्वायर भी ले रहे होते हैं, उसका क्यूब भी ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के अंदर। तो पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन ये आपको एक्सप्रेशन से भी वाजे हो रहा है कि हमारे पास पहले एक्स वन जो है उसकी पावर बी नॉट पे ज़ीरो है, आगे एक्स वन की पावर वन है, फिर एक्स वन की पावर जो है हमारे पास टू है, फिर इसी तरह एक्स वन की पावर हम जो है वो थ्री ले सकते हैं और अप टू एन। तो इस तरह हम जो है वो एक्स की डिफरेंट जो है वो पावर जो है वो ले सकते हैं। इसलिए इसे जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन की स्पेशल टाइप जो है वो कहा जाता है कि इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं मगर जो है वो एक ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हम डिफरेंट पावर जो है वो यूज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो कर रहे होते हैं। जी यहाँ तक कोई बात पूछनी हो किसी ने? सर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी, जैसे मल्टीपल लीनियर की थी कि एज सैलरी का इंपैक्ट हम देखते थे कि उसकी परचेज थी। ज़रा सी आवाज़ ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी, जैसे मल्टीपल लीनियर की थी ना कि एज सैलरी और कंट्री का हम इंपैक्ट देखते थे। आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ ज़रा ऊंची आवाज़ में बोल देंगे तो मुझे समझ आएगी, अदरवाइज मैं क्वेश्चन का जवाब देने में। सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी, जैसे मल्टीपल लीनियर की एग्जांपल थी कि हम एज सैलरी का जो इंपैक्ट है ना वो देखते थे उस पे प्रॉफिट पे, तो इसकी रियल हाँ एग्जांपल के लिए थोड़ा सा वेट करें, अभी एग्जांपल पर ही बात करते हैं, अभी डाटा सेट पर ही बात करते हैं, ठीक है, डाटा सेट पर ही हमने आगे बात करनी। आपके क्वेश्चन का जवाब आगे आपको फौरन मिल जाएगा। अच्छा जी चलें आगे चलते हैं। तो देखें हमारे पास जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास ये डाटा सेट था, ये हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग डाटा सेट था, तो या यूं कह लें कि ये हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी। इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने जब एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन को ड्रा किया तो एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आई। अब इन एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन जो कि इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर हैं इसको हमने जो है वो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू डिज़ाइन किया। इसमें आप देखें कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो कि प्लस के सिंबल से जो है वो शो की गई हैं और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो इस लाइन के ऊपर हैं उन्हीं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट, उनका डिस्टेंस देखें कम है। तो यहाँ पर जो है वो लीनियर रिग्रेशन जो है वो फिट बैठता था, इसलिए हमने जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ किया। वैसे भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था
और डिपेंडेंट वेरिएबल तो होता ही एक है, वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसका जो डिस्टेंस था वो कम था हर ऑब्जर्वेशन का, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ किया। अब अगर आपके पास डाटा जो है वो इस फार्मेट में आ जाए, इस फार्मेट में आ जाए, उसके लिए आप जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को ही यूज़ कर लें, तो उससे क्या होगा कि आप ये देखें कि आपके इन पॉइंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है रिग्रेशन के अगेंस्ट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन में जो है वो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का प्रेडिक्टेड वैल्यू से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का प्रेडिक्टेड वैल्यू से डिस्टेंस कम था, और अगले डाटा में गौर करें कि जब हमने इस डाटा के लिए उसी तरह जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज़ किया, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो रिग्रेशन लाइन है, जो जिसके ऊपर रिग्रेशन लाइन के ऊपर क्या होती हैं, हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट उसके अंदर उसके ऊपर प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ होती हैं। मसलन ये पहली जो है हमारे पास जो है ये रेड है वैल्यू, तो इसके अगेंस्ट जो है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट इस पे यहाँ पर ये जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, प्रेडिक्टेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और एक्चुअल वैल्यू का डिस्टेंस जो है वो कम है। मगर इन अगले सारे पॉइंट्स पर जाकर देखें तो एक्चुअल वैल्यूज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेडिक्टेड वैल्यू पर, और यहाँ पर जाकर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो रिग्रेशन लाइन है ये इन सारे पॉइंट्स को जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो इन सारे पॉइंट्स को कवर अप नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है ये सारी जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज थी उनका डिस्टेंस जो है वो बड़ा कम था, और ये लाइन जो है वो रिग्रेशन लाइन जो है वो अच्छी जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो कर रही थी। तो मगर जब हमने इस डाटा के ऊपर आए तो इस डाटा में हमें जो है वो थोड़ा सा इसमें कर्व नज़र आ रही है, कर्विंग डाटा जो है वो नज़र आ रहा है इस तरह, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डाटा जो है वो नज़र आ रहा है हमें इस तरह, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू मॉडल को ट्रेंड करते हैं तो आप देखें कि ऐसा मॉडल जो है वो हमारी वैल्यूज़ को सही प्रेडिक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मॉडल जो है वो डाटा के लिहाज से सही अप्लाई नहीं कर रहे। जी समझ आई बात? जी सर। तो इसको कवर अप करने के लिए हम अगर जो है पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करेंगे तो सही रिग्रेशन लाइन जो है वो हमारी जो है वो डेवलप होगी। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन था B1X1, तो यहाँ पर हमने आगे क्या किया B1X1 तक वैसे ही, और इसका जो है वो B2X2 जो है वो ले लिया, तो इससे जो है ये हमारी लाइन जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ के क्लोज हो गई और ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को कवर अप करने लग पड़ी। अब ये जो है वो आपने जो है वो कहाँ तक, किस पॉलिनोमियल तक जो है आपने जो है वो वैल्यू को लेना है पॉलिनोमियल रिग्रेशन में, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो पीक वाली वैल्यू है वो कहाँ कब तक कवर अप होती है, कब तक वो कवर अप होगी, उस वक्त तक आपने जो है यहाँ पर जो है वो इसको बढ़ाते चले जाना है। अगर सपोज़ ये लास्ट वाला पॉइंट अभी भी कवर अप ना होता तो आप प्लस B3X1 का क्यूब ले लेते और उसका जो है वो क्यूब ले लेते आप, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप इस प्रोसेस को बढ़ाते चले जाते जब तक ये लाइन जो है वो टॉप मोस्ट वैल्यू को कवर अप ना कर लेती। जी बताएं, समझ आई ये बात? जी सर। सब बोले, मैंने पहले इसीलिए कहा था जब तक सब नहीं बोलेंगे yes, सब अपनी नहीं करेंगे yes, माइक ऑन करके लेक्चर एंड नहीं करूंगा मैं। थोड़ा सा मैं इस मामले में काफ़ी जो है ना वो मुझे मज़ा नहीं आता अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो। मुझे बताएं, सब बच्चे बताएं कि आपको यहाँ तक समझ आई बात की कि नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन करें, मज़ीद इस बात को आगे से आगे मैं क्लियर करता चला जाऊँगा। जी जी सर, समझ आ गई। यस सर, समझ आ गई। अरीबा शाहिद नहीं बोल रही, बिल्कुल नहीं बोल रही अरीबा शाहिद। अरीबा शाहिद सर मैंने बोले अच्छा
रहमान नहीं बोल रहा, यस सर रहमान, यस या नो बोलो, यस सर यस सर, ना नहीं बोलोगे ना तो मैं अभी आपके वालिद साहब को बुला लेना मैंने यहाँ, ठीक है? तो उनसे लाइव मैंने सर, उनकी तो डेथ हो गया सर आज से 10 साल पहले सर। चलो जो भी वालदा होंगी, वालदा हैं जी सर, हाँ तो उनको बुला लेना मैंने एम एस टीम पे, ठीक है जी सर। हाँ तो ये जो है वो सब लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करें। तो अच्छा जनाब, अब हम यहाँ पर वापस आते हैं कि हमने जो है अभी तक ये देखा कि जो हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मगर उसके मल्टीपल जो हैं वो पॉलीनोमियल्स हैं, ठीक है? तो इसलिए हम जो हैं वो पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ही टाइप जो है वो कहते हैं। और इसको यूज़ जो है वो कब करना है, जब आपका डाटा जो है वो पॉलीनोमियल फॉर्म में होगा वहाँ पर आपकी जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है वो वैल्यूज़ को सही तौर पर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं करेगी, सही मॉडल में फिट नहीं आएगी। तो मॉडल में कैसे फिटिंग से मराद क्या होता है, रिग्रेशन लाइन जो है ये इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के रिग्रेशन लाइन के ऊपर प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ होती हैं, वो प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के अगर करीब होंगी तो स्टैंडर्ड एरर भी कम होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू भी जो है वो 1 के करीब होगी। तो इस तरह जो है हम कहेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो परफेक्ट है, जो हमने जो है इसको ट्रेनिंग डाटा दिया था उस ट्रेनिंग डाटा के लिहाज से वो प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही कर रहा है और जो है ये बेस्ट फिट मॉडल कहेंगे हम इसको। और अगर हम जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को एक ऐसे मॉडल के ऊपर अप्लाई कर दें जिसमें जो है पॉलीनोमियल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो, वहाँ पर हमारी रिग्रेशन लाइन जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को सही तौर पर कवर अप नहीं करेगी। कवर अप करने से मुराद क्या होता है कि हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट रिग्रेशन लाइन के ऊपर जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, अगर जो है इनका जो है वो डिस्टेंस कम नहीं होगा और सारी वैल्यूज़ को रिग्रेशन लाइन जो है वो कवर अप नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम जो है वो पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो है वो देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है तो एक से ज़्यादा नहीं है, मल्टीपल रिग्रेशन तो हम उसी वक्त लगाएंगे जब हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है और वहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर फिर हम जो है वो पॉलीनोमियल जो है वो मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी जो है वो जैसे अभी कोविड जो है वो स्प्रेड हुआ तो इस तरह की चीज़ें से जो है वो लोग एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है? जब भी आप किसी डाटा की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखें तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो है आप जो है वो पॉलीनोमियल मॉडल जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगा भी देते हैं तो वो सही जो है वो काम नहीं करेगा, सही प्रेडिक्शन जो है वो नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर हमें जो है वो पॉलीनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करेंगे हम। पॉलीनोमियल रिग्रेशन को जैसे ही हमने यूज़ किया तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के क्लोज हो गई और ये हमारा मॉडल जो है ये बेस्ट जो है वो वर्क जो है वो करेगा, अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है आपके पास देखें आपके पास जो है वो जब भी डाटा आए, ये इसके लिए आज हमने जो डाटा यूज़ करना है वो ये वाला डाटा जो है वो यूज़ करना है, ये पोजीशन अंडरस्कोर सैलरी। सर हम ये कह सकते हैं जैसे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी 0.06, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस था जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी और जो हमारी प्रेडिक्टेड थी। हम अब ऐसा कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी उसी पे आ जाए प्रेडिक्टेड भी सेम। हाँ जी, आर स्केल की वैल्यू से मुराद यही है आपका कि एरर को कम करने के लिए, ठीक है ना? यस सर, यस सर। तो यही यही बात जो है वो आप बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है?
तो अब देखें ये हमारे पास जो है वो एक डाटा है हमारे पास, जिसमें ये एक्सेल की शीट आपको नज़र आ रही होगी। इसमें पहला कॉलम पोजीशन का है, लेवल का है, सैलरी का है। तो जो जो भी डाटा आपके पास आए, पोजीशन के कॉलम में तो हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, और लेवल हमारे पास एक फैक्टराइजेशन ऑलरेडी की हुई है, लेवल फैक्टर्स को ही शो कर रहा है। तो क्योंकि ये हमें जो है वो न्यूमेरिक कॉलम अवेलेबल हो गया है, तो इसलिए हम पोजीशन को इग्नोर कर देते हैं, पोजीशन को अपने डाटा सेट में शामिल नहीं करेंगे। बिजनेस एनालिस्ट का लेवल या ग्रेड कह लें 1 है, जूनियर कंसल्टेंट का ग्रेड 2 है। ये लेवल से मुराद ग्रेड समझ लें, जैसे पाकिस्तान के अंदर ग्रेड्स होते हैं। तो हर पोजीशन का एक ग्रेड है, एक लेवल है। तो हमें जो है वो पोजीशन, क्योंकि टेक्सचर कॉलम है, अगर ये हमारे पास होती भी और लेवल ना होता तो तब भी हम फैक्टराइजेशन करते, और फैक्टराइजेशन के थ्रू यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ले आते। तो अब हमें ऑलरेडी उसने लेवल प्रोवाइड किए हुए हैं, तो हम लेवल और सैलरी का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर जो है वो कहे कि जनाब ये लेवल से मराद जो है वो हम ये कह लेते हैं कि जनाब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस समझ लें, कि अगर जो है वो उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी ये है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी ये है, 3 ईयर का है तो ये है। तो अब इसमें अगर कोई हमें ये प्रेडिक्शन के लिए कह दे कि अगर किसी पर्सन की का नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस जो है वो 6.5 ईयर हो, या कोई भी टर्म आप सोच लें, 5.5 सोच लें, 4.5 सोच लें, क्योंकि मेरी एग्जांपल के मुताबिक 6.5 में वो आएगी वैल्यू, तो इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ। तो 6.5 ईयर उसका एक्सपीरियंस है, उसको कितनी सैलरी जो है वो ऑफ़र की जाए। तो अगर अगर जो है देखें, अगर वो पर्सन ये कहता है कि मुझे मेरा 6.5 ईयर का एक्सपीरियंस है और मुझे इतनी सैलरी जो है वो मिल रही है, तो उसके वो ट्रुथ कह रहा है या वो आपसे ब्लफ कर रहा है, तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए आप ऑलरेडी जो लेवल्स हैं और उनकी जो सैलरीज हैं उनको जो है वो यूज़ करते हुए 6.5 ईयर जो कि ऐसा लेवल है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी प्रेडिक्शन लाजमी बात है कि आप मशीन के थ्रू जो है वो करवाएंगे। क्योंकि आप जो है वो ये इसलिए करेंगे ताकि आप जो है उसको बहुत कम सैलरी भी ऑफर ना कर दें, कि एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो जो है वो जॉब ज्वाइन ना करे, या ये भी ना हो कि आप इतनी ज़्यादा सैलरी ऑफर कर दें कि कंपनी सफ़र करे। तो इसके लिए फिर हमें जो है वो मॉडल जो है वो बनाने पड़ते हैं, ताकि हम जो है वो इस तरह की चीज़ों को सही जो है वो प्रेडिक्ट जो है वो कर सकें। अब आपके पास ये डाटा है, ये एक्सेल में डाटा है, अब आपने देखना है कि इसके ऊपर लीनियर मॉडल फिट होगा या पॉलिनोमियल मॉडल फिट होगा। तो सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि एक्सेल में आप जो है वो बहुत आसानी से ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। तो आप जो है वो इसका ग्राफ या चार्ट जो है वो ड्रा करने की कोशिश करें। तो इस चार्ट को आप जो है वो ड्रा करने की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप जो है वो उसको ड्रा करें, ताकि ये जो जो भी ग्राफ है ये ग्राफ बनकर आपको जो है ये पता चल सके कि इसके लिए कौन सा मॉडल जो है वो फिट है। ये देखें, ये ग्राफ जो है वो सिंगल क्लिक से आप जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो अब इस ग्राफ में आप देखें कि पॉलिनोमियल जो है वो बिहेवियर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल बिहेवियर शो हो रहा है। यहाँ पर अगर हम जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो यूज़ करेंगे तो वो कभी भी जो है वो इस पे ऊपर जो है वो फिट नहीं आएगी रिग्रेशन लाइन, इस डाटा के ऊपर फिट जो है वो नहीं आएगी वो रिग्रेशन लाइन। इसके चंद पॉइंट्स को तो वो कवर अप करेगी, बाकी पॉइंट्स को वो कवर अप नहीं करेगी। तो जब भी आपने कभी भी कोई भी जो है वो सिंपल लीनियर में या पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपने यूज़ करना है, इनमें से कौन सा मॉडल आपने यूज़ करना है, तो आपके लिए सिंपल बात यह है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दोनों के बिटवीन जो है वो डाटा को लेकर दोनों के बिटवीन जो है वो ग्राफ ड्रा कर लें। जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे और आपको इस तरह की जो है वो कर्व की शेप मिले, तो आप समझ जाएँ कि यहाँ पर जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो वर्क नहीं करेगा, पॉलिनोमियल मॉडल ही वर्क करेगा। जी बताएं, समझ आई बात? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। या कोई भी ऐसा डाटा जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा हो, तो उसमें हम जो है वो पॉलिनोमियल मॉडल ही यूज़ कर सकते हैं, मगर शर्त यही है कि आपके पास जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। असल में ये जैसे जैसिम साहब ने कहा कि लोग रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, मॉडल लगाते हैं, वो बिल्ट इन टूल्स के थ्रू, इससे भी आसान आसान टूल हैं कि जैसे आप कमो बॉक्स से जो है ना वो सिलेक्ट करो
अपना मॉडल और ओके प्रेस कर दो तो जो है वो आपका काम जो है वो हो जाता है सारा। तो अब मगर ये है कि मॉडल ने तो ये नहीं कहना कि मुझे चूज़ ना करो, ठीक है, चॉइस तो आपके हाथ में है और चॉइस आपने कैसे करनी है, अपने नॉलेज से करनी है, ठीक है। तो जो मशीन लर्निंग का नॉलेज है आपके पास, उसके थ्रू आपने जो है वो अपने एल्गोरिदम को चूज़ करना है। तो यही जो है वो चीज़ होगी कि आपने इसी चीज़ को डिफेंड करना होगा अपनी रिसर्च में कि ये डाटा था मेरे पास और इस डाटा के इस तरह का बिहेवियर था, इस बिहेवियर को सामने रखते हुए मैंने ये मॉडल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया और उसमें से जो बेस्ट मॉडल है, जो बेस्ट प्रेडिक्शन कर रहा है वो ये वाला मॉडल है और उसके रिजल्ट्स को भी आपने जो है वो दिखाना होगा। यही जो है वो गालबन आपकी रिसर्च होगी और यही जो है वो आपका सारा जो है वो इसके ऊपर काम होगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है ये सब कुछ हमने जो है वो यहाँ पर किया, सैलरी वर्सेस लेवल के अगेंस्ट जो है वो हमने जो है ये कर्व जो है वो ड्रा की। जी बताएं यहाँ पर कोई क्वेश्चन, पहचान लेंगे कि सिंपल लीनियर मॉडल लगेगा या पॉलीनोमियल। देखिए मल्टीपल का तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तो मॉडल उस वक्त लगेगा जब आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जब आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो फिर आप जो है वो कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, फिर आप जो है वो डेफिनेटली जो है वो सिंपल लीनियर में या पॉलीनोमियल में। पॉलीनोमियल की तरफ कब जाएंगे, जब किसी चीज़ की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, किसी जगह पर कोई वबा फैल गई है। हाँ जी सर, हम लोग ये डिस्कशन में फिर अपना डिफाइन करेंगे कि हम लोगों ने ये एल्गोरिदम, ये टूल ये क्यों लिया है, हम लोग पॉलीनोमियल क्यों यूज कर रहे हैं यहां पे, उनमें कैलकुलेशंस वगैरह भी होंगी। ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन होगा ना कि आपने इस जो है वो मॉडल को क्यों चूज किया, ठीक है ना। अभी तो आपने पढ़े ही दो तीन, तीसरा मॉडल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप जो है वो बहुत सारे दूसरे और भी मॉडल जो है वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ये एक्सपीरियंस जो है वो होगा कि ये मॉडल्स आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। जी जी सर, मैं ना क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल कर देता हूँ, फ़ोन काटने का मकसद यही था कि मैं अभी फोन कर। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास लेवल्स हैं और सैलरीज हैं और इसमें हम जो हैं वो इसको इस तरह जो है वो देख रहे हैं। जी आगे चलें सर, पॉलीनोमियल में मल्टीपल वेरिएबल नहीं हो सकते। जी पॉलीनोमियल में मल्टीपल वेरिएबल सर नहीं हो सकते। देखें पॉलीनोमियल में मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं मगर मल्टीपल वेरिएबल हम लेवल, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बात समझिएगा, लेवल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास सैलरी डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीपल लेवल क्रिएट करेंगे मगर कैसे, x1 की पावर 1 लेकर, x1 की पावर 2 लेकर, x1 की पावर 3 लेकर, x1 की पावर 4 लेकर। x हमारे पास यहाँ पर क्या है, x हमारे पास यहाँ पर लेवल है, ठीक है, x हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं। x हमारे पास यहाँ पर लेवल है, लेवल की हम जो है वो पावर 1 लेंगे, लेवल की पावर 2 लेंगे, लेवल की पावर 3 लेंगे, तो इस तरह हम इसको मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है। मगर एज सच यहाँ पर जो है वो मल्टीपल वेरिएबल जो है वो नहीं है। पॉलीनोमियल में हम जो है वो खुद से कैलकुलेटेड वे में, ड्राइव्ड वे में फार्मूला लगाकर मल्टीपल वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है सर, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब है फिर नहीं होंगे, एक ही वेरिएबल के हम लेवल बनाएंगे, एक ही वेरिएबल की हम डिफरेंट पॉलीनोमियल्स लेंगे, डिफरेंट पावर्स लेंगे। सर फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना जो हम लेंगे, जो भी हम वेरिएबल देखें, एक्स जो होता है, अगर आपने एक्स की पावर्स ली हुई हैं डिफरेंट, तो एक्स आपका डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। जिस भी चीज़ को, ये कन्वेंशन है कि जिस भी चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है या डिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट सर। इंडिपेंडेंट, तो x आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जिसकी आप जो है वो जब भी आप मोर देन वन कोई चीज़ लेते हैं वो तो होती ही इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वन होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो नहीं होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल
हर एल्गोरिदम में, सिंपल में भी हमने वन देखा, मल्टीपल में भी वन देखा, पॉलिनोमियल में भी वन देखा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जो हैं वो वन भी ले सकते हैं, मोर देन वन भी ले सकते हैं। मल्टीपल की सूरत में फिजिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो मोर देन वन होंगे। आपने देखा लास्ट टाइम हमने एक डमी वेरिएबल था हमारे पास स्टेट का, तो उसमें हमने ये कहा था कि मल्टीकोलिनियर जो है वो एजम्पशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो डाटा जो है वो एक दूसरे पे वेरिएबल डिपेंड ना करता हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ऐसे नहीं लेने कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फार्मूले के थ्रू या किसी भी तरीके से वो ड्राइव हो सकता हो, वो कैलकुलेट हो सकता हो। तो इस तरह क्या होगा कि उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में कोरिलेशन होगा, उनका आपस में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। जो भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में लें वो ऐसे लें जो के आपस में भी जो है वो आपस में कोरिलेट ना करते हों, आपस में एक फार्मूले से वो कैलकुलेट ना हो जाते हों। तो इसी वजह से जब हमने स्टेट के वेरिएबल को जो है वो डमी वेरिएबल जो है वो स्टेट के जो है वो तीन स्टेट्स थी तो दो लिए, ठीक है, ताकि ये जो है ये आपस में जो है वो इस तरह इनका आपस में कोरिलेशन जो है वो क्रिएट ना हो। जी समझ आ गई बात सर? ये आपने जो चार्ट बनाया उसमें एक्सेल में बनाया सर, उसमें आपने लेवल दिए हैं और सैलरी दी है सर, इन दोनों में से पूछ रही थी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे या फिर नहीं होंगे, हम लोग एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं। एक्स एक्सिस पर आपको आपको इस डाटा को देखते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा लग रहा है? लेवल लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि मैं लेवल इनपुट कर सकता हूं कि मुझे इस लेवल की सैलरी चाहिए, ठीक है। तो सैलरी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, सैलरी जो है वो नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस, लेवल को आप समझ लें नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशंस के नाम हमें बता रहे हैं कि बिजनेस एनालिस्ट है, जूनियर कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट है, मैनेजर है, कंट्री मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, सी लेवल है, सीईओ सीईओ। तो ये लेवल्स या एक्सपीरियंस हमें बता रहा है कि ये हमारे पास जो है वो हर लेवल की सैलरी जो है वो क्या होगी। तो ये जो लेवल्स हैं ये नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस अगर हम इसको समझ लें, ठीक है, तो लेवल को के अगेंस्ट हमने सैलरी को प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो सर ओके सर, अभी एक बात हुई थी कि एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, वो बात सही है, वो उन्हें पता है कि एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट लेते हैं, मगर वो ये कह रही थी कि हम जो है इनमें से लेवल और सैलरी में से पहले ग्राफ बनाने से भी पहले हम किसको जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करें और किसको डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करें, गालबन इनका क्वेश्चन ये था, ऐसी था। यस सर, यस सर। हाँ तो ये आपने जो है वो अपने डाटा को देखते हुए सेलेक्ट करना है कि देखें अब आपके पास जो है वो लास्ट टाइम के डाटा में परचेज भी था और एज भी थी। अब एज और परचेज में आपने क्या चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। उसी लिहाज से आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को सर जो है वो चूज़ करोगे, ठीक है। मसलन मेरे पास जो है वो 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में कोविड जो है वो कितना स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो कोविड की जो है वो जो स्प्रेड होने की रेशो है, मैं वो मेरे पास इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, आर्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बताएं, आप ही जवाब दें जिसने क्वेश्चन किया था। नंबर ऑफ आर्स है एक वेरिएबल और एक वेरिएबल आपके पास जो है वो कोविड स्प्रेड रेशो है। कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा डिपेंडेंट होगा? बोलें, कौन सी बच्ची बोल रही थी? बेटा इतना टाइम तो ना वेस्ट करें, कौन पहले बोल रहा था क्वेश्चन का? कोविड स्प्रेड रेशियो डिपेंडेंट होगा। हाँ तो फिर बेटा इतना तो ना उसमें डिले करो, मतलब लेक्चर को कंटिन्यू रखो ना, इतनी ब्रेक लगेगी तो लेक्चर बिल्कुल ही थका देने वाला लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो अगर आप लोग क्वेश्चन करें तो फिर भरपूर तरीके से उधर रहें भी मेरे साथ, तो
ये हमने जो है वो देख लिया कि डाटा को हमने एक्सेल की शीट में, जब हमारे पास सीएसवी फाइल में हमारे पास डाटा होगा तो उसको हमने कैसे देखना है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगेगा या लीनियर रिग्रेशन लगेगा। तो उसकी मैंने आपको पहचान बता दी कि आप चार्ट बनाकर इस चीज़ को आइडेंटिफाई जो है वो कर लेंगे और एक्सेल में आसानी से चार्ट बन जाएगा और आप इस चीज़ को बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने जो है यहाँ पर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है। तो इसके लिए आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बेहतर रहेगा या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में लाजमी बात है मल्टीपल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मगर वो एक ही जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके हम डिफरेंट जो है वो पावर्स लेकर मल्टीपल वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोबारा इसी एक इक्वेशन को दिखा रहा है कि आपके पास जो है एक्स वन का पावर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, इस तरह एन है। तो जिस लेवल तक की आपने पावर लेनी हो वो आप ले सकते हैं। किस लेवल तक की पावर लेनी है ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन है। इसको भी आपको जो है वो अपने डाटा को, अपने मॉडल को देखते हुए, अपने ग्राफ को देखते हुए ये डिसीजन लेना है कि क्या आपने एक्स की पावर टू तक लेनी है, थ्री तक लेनी है, फोर तक लेनी है, कहाँ तक लेनी है। ये भी मैं अभी आपको इसका जवाब जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो इस स्लाइड के ऊपर वो ये कर रहा है कि देखें यहाँ पर हमने जो है वो टर्म यूज़ की हुई है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और उसके बाद हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन से मुराद क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी भी बढ़ रही हो, एक चीज़ कम हो रही हो तो दूसरी भी कम हो रही हो, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर फैशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखें अगर हम x के लिहाज से देखें, x की वैल्यूज़ के लिहाज से देखें तो x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो x के लिहाज से तो ये नॉन लीनियर है। इट्स नॉन लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द x वैल्यू। तो x वैल्यूज़ के लिहाज से ये नॉन लीनियर बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, मगर हम इसको किस लिहाज से लीनियर बोल रहे होते हैं। तो ये भी कोई क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि पॉलिनोमियल के वर्ड जब आ गया तो ये तो नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हुआ है एक्स की वैल्यूज़ के लिहाज से, मगर लीनियर बिहेवियर इसका किस हवाले से है, कोफिशेंट की वैल्यूज़ के लिहाज से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिहाज से, कोफिशेंट की वैल्यूज़ के लिहाज से ये जो है वो लीनियर बिहेवियर है। ये इसके कोफिशेंट हैं बी नॉट, बी वन, बी टू, तो ये इस इनकी वैल्यूज़ के लिहाज से ये जो है वो नॉन लीनियर जो है वो सॉरी लीनियर जो है वो इसका बिहेवियर है कोफिशेंट की वैल्यूज़ के लिहाज से। एक्स की वैल्यूज़ के लिहाज से नो डाउट कि ये नॉन लीनियर है, मगर कोफिशेंट की वैल्यूज़ के लिहाज से इसका जो बिहेवियर है वो लीनियर बिहेवियर है। तो इस वजह से हम इसको कोफिशेंट की वैल्यूज़ के लिहाज से हम इसको जो है वो लीनियर का पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो है वो बोलते हैं। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के बारे में हमेशा एक बात याद रखें, इज़ द स्पेशल वर्जन ऑफ द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, कि पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एक स्पेशल वर्जन है। एक स्पेशल वर्जन के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को। अच्छा जी, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के लिए आपने डाटा सेट डाउनलोड किया हुआ है, जो भी रिग्रेशन के सेट का डाटा सेट है वो सारी फाइल आपने जो है वो सुपर डाटा साइंस से डाउनलोड की हुई है ना। बोलें डाउनलोड की हुई है ना वो सारी फाइल। यस सर। जी सर। आवाज़ नहीं आ रही मुझे सबकी। सुपर डाटा साइंस से पॉलिनोमियल सॉरी रिग्रेशन के लिए जो भी आपको डाटा चाहिए वो आपने सारा डाउनलोड किया हुआ है ना। जी सर। यस सर। यस सर। तीन बोले हैं लोग, आगे बाकी। यस सर। बाकी सो रहे हैं, नो कोई इंटरेस्ट नहीं है बाकी लोगों को जवाब देने में। देखें अगर मैं आप मुझसे सवाल करें और मैं आपका जवाब ना दूं तो आपको बुरा लगेगा। बताएं डाउनलोड किया हुआ है आपने डाटा के नहीं किया हुआ। यस सर। अब मैं चेक करूंगा, जो जो नहीं बोलेगा मैं उसको टीम से रिमूव कर दूंगा। यस सर। किया हुआ है। यस सर। तो बहुत सारे लोग नहीं बोले, मैं अब उनको टीम से रिमूव करने लगा हूँ।
मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ इससे पहले कि ये कॉन्फ्लिक्ट रेज हो और बजाय मेरा फोकस लेक्चर पर रहे मैं इस बात पे फोकस कर लूँ, तो मैं दोबारा ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप में से मुझे यहाँ पे इंडिकेशन होती है कि आप बोला है आपने कि नहीं बोला, ठीक है ना? तो आप मुझे ये बताएं सर, हैंड रेज करवा लें सर, कितने लोगों ने जो है वो ये डाटा जो है वो वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? यस बोलें, किया हुआ सर, किया हुआ सर, यस सर, कितने लोगों ने नहीं किया हुआ? ये रहमान साहब आप नहीं बोल रहे सर, आपका नेट स्लो है, हम यहाँ पर बोलते हैं और वहाँ पर ब्लिंकिंग बाद में होता है। या देखें हफ्जा, आप अपनी तजीहात को अपने पास रखें, मेरा नेट स्लो है तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? या मुझे ब्लिंकिंग चलें बाद में नज़र आ जाए, दो मिनट बाद में नज़र आ जाए तो मुझे नज़र आ रही है ना? ठीक है ना, तो आप अपनी जो भी बात है वो साहब बैठे नहीं हुए एक्चुअली ना, आप अपनी जो भी बात है वो अपने पास रखें और अपनी बात किया करें। ओके सर, सॉरी सर। टाइम पर मेरा नेट स्लो होता है, किसी टाइम पर आप कहती हैं कि मेरा नेट स्लो था, ठीक है, तो मुझे तो आप हमेशा इसी में रखती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं वन बाई वन इस तरह आपको ऑब्जर्व करते हुए मीटिंग से निकालता चला जाऊंगा। तो अटेंटिव होके लेक्चर को सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर जो है वो थे, ये आपने जो है ये बंडल पूरा डाउनलोड किया होगा और इस पूरे बंडल में आपके पास जो है वो वैसे तो कोड भी अवेलेबल होता है, मगर मैं यही कहूँगा कि कोड को आप अपने हाथ से लिखें, उसको कॉपी पेस्ट करने से आपका ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का डाटा इसमें था, मल्टीपल का इसमें था, पॉलिनोमियल का इसमें है, तो पॉलिनोमियल का यही डाटा सेट जो है वो आपको ये आर वाली फाइल में जो है वो मिल जाएगा, पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज डॉट सी एस वी से। तो पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज डॉट सी एस वी को आप जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके अपने फोल्डर में सेव किया हुआ है। तो और ये डाटा जो है वो आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएगा। पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज के डाटा को आप जो है वो रीड आउट करेंगे रीड डॉट सी एस वी से, और रीड डॉट सी एस वी से जब आप रीड करेंगे तो इसके तीनों कॉलम्स आप रीड आउट कर लेंगे। आपको कितने कॉलम चाहिए? कॉलम नंबर जो है वो आपको कॉलम नंबर आपको जो है वो वन नहीं चाहिए। ये कॉलम आर लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि इंडेक्स नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होता है, कॉलम नंबर वन नहीं चाहिए, कॉलम नंबर टू और थ्री चाहिए। तो अब आपने डाटा सेट को रीड करने के बाद उस डाटा सेट को दोबारा वैल्यूज असाइन करनी है और उसमें से आपने जो है वो कॉलम नंबर टू और थ्री पिक करना है और रोज़ को सारी रोज़ को सिलेक्ट करना है। तो कॉमा लगाकर टू कॉलम थ्री लिख देना है कॉलम की प्लेस पर, तो आपको जो है वो उतने कॉलम्स जो हैं का डाटा सेट जो है वो मिल जाएगा। कैसे करना है ये यहाँ पर कोड में जो है वो लिखा हुआ है, तो इसको आप हम देख लेते हैं। पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज डॉट सी एस वी, ये हमने जो है वो डाटा सेट रीड आउट कर लिया और उसके बाद जो है ये जो ग्राफ था मैंने बनाकर दिखाया आपको, उसी ग्राफ की पिक्चर मैंने यहाँ पर स्लाइड में इंसर्ट की हुई है कि इस तरह आप इस ग्राफ को जो है वो देख लेंगे। उसके बाद आपने जो है वो रीड डॉट सी एस वी से रीड किया, तो इसमें आपने जो है वो टू कॉलम थ्री से मराद ये है कि आप जो है वो दूसरा और तीसरा कॉलम जो है वो लेना चाहते हैं डाटा सेट का, वो आप जो है वो लेकर दोबारा डाटा सेट को अपडेट कर लें ताकि अब डाटा सेट में जो है वो तीन कॉलम्स ना रहें बल्कि दो कॉलम्स रह जाएं, लेवल का और सैलरी वाला, लेवल और सैलरी वाला कॉलम में आप इंटरेस्टेड हैं। उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप करें, एलएम का मेथड ही आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका अभी पॉलिनोमियल हमने नहीं डेवलप कर रहे, हम जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही डेवलप कर रहे हैं। एलएम में आप फार्मूला को असाइन कर दें, फार्मूला इज इक्वल टू सैलरी टिल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिख दें या डॉट लिख दें, डॉट से मराद ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉमा डाटा इज इक्वल टू डाटा सेट। तो डाटा सेट आप जो है जो अभी आपने ये डाटा सेट सेकंड जो है वो
स्टेटमेंट में डिवेल्प किया जिसमें दूसरा और तीसरा कॉलम शामिल है, वो डाटा सेट आपने जो है वो यहाँ पर डाटा को प्रोवाइड कर दिया। और डाटा को प्रोवाइड करने के बाद, ये डाटा सेट प्रोवाइड करने के बाद आपने जो है वो लिन आर ई जी, लिन अंडरस्कोर आर ई जी, ये जो है वो लिन अंडरस्कोर आर ई जी, ये आपने जो है यहाँ पर एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो डेवलप कर लिया। इस रिग्रेशन मॉडल को की समरी को आप प्रिंट करके देख लें। समरी को प्रिंट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि लेवल की जो पी वैल्यू है वो क्या है। ये हाईली सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि टू स्टार्स हैं 0.01 से लेकर 0.01 के बिटवीन जब वैल्यू होती है तो वो टू स्टार्स से इंडिकेट की जाती है। तो ये टू स्टार्स से शो की गई है, तो थ्री स्टार्स बहाल नहीं है इसमें। और इसकी जो है वो इसी तरह अब आप जो है वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल भी डेवलप करें। पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल के लिए भी आपको एलएम का ही मेथड यूज़ करना है, मगर उससे पहले आपने जो है वो लेवल क्रिएट कर लेने हैं। मज़ीद इसके अंदर रन टाइम पर इस डाटा सेट में कॉलम्स क्रिएट कर लेने हैं। तो डाटा सेट डॉलर साइन लेवल टू का एक कॉलम आपने क्रिएट किया, ये नया कॉलम है, पहले अवेलेबल कॉलम नहीं था। इसको वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी? इसको कैलकुलेटेड वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। कैसे? डाटा सेट डॉलर साइन लेवल का जो कॉलम था उसका ये हमने हेड का सिंबल यूज़ किया। हेड का सिंबल बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर पावर का सिंबल होता है, ये पावर लेने के लिए यूज़ होता है। आर लैंग्वेज में भी ये पावर का सिंबल है। डाटा सेट डॉलर साइन लेवल, तो लेवल वाला हमारे पास जो कॉलम है इसकी पावर हम जो है वो टू लेंगे, और डाटा सेट डॉलर साइन लेवल ही के कॉलम की पावर हम थ्री लेंगे। और रिस्पेक्टिवली हम दो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे, लेवल टू और लेवल थ्री। जब उस डाटा सेट को आप जो है वो अपने वेरिएबल्स में देखेंगे, डाटा फ्रेम्स के अंदर आप देखेंगे डबल क्लिक करके, तो आपको पता चलेगा कि अब आपके पास जो है वो कुछ मज़ीद कॉलम जो है वो क्रिएट जो है वो हो चुके हुए हैं। जी बोलें, समझ आई है ये बात? यस सर। यस जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मान साहब पहले नहीं बोल रहे थे? यस सर। सर वो नेटवर्क, सर नेट का प्रॉब्लम, सर पर कॉल आ गई सर सेल पे। बोलना अच्छी बात होती है, जो भी बात होती है वो बता दिया करें कि इस वजह से ये प्रॉब्लम डिस्कनेक्टिंग होने लग गया था, इसलिए वो माइक नहीं हो रहा था। जी जी, तो हफ्जा इनका नेट का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये जो है जो हमारे पास इस तरह हम जो है वो इन कॉलम्स को जो है वो जनरेट जो है वो कर सकते हैं। आर स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ये आप जो हैं वो जहाँ पे मेरी पोजीशन
सैलरीज वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं एक्चुअली उसको वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सेट कर रहा हूँ, तो ये रूट पे ही पड़ी हुई है, मशीन लर्निंग के फोल्डर में ही पड़ी हुई है, किसी सब फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, गलती से पहले सब फोल्डर क्लिक हो गया था मुझसे, तो ओके कर देता हूँ मैं। तो इस फोल्डर में ये मेरे पास जो है वो पोजिशन अंडर स्कोर सैलरी वाली फ़ाइल जो है वो पड़ी हुई है, इसको मैं वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सेट कर देता हूँ, तो सेट एज वर्किंग डायरेक्टरी। और यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो, वैसे तो अच्छी चीज़ यही है कि आप डाटा का फोल्डर अलग से बनाएं, तो ये पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज ये मेरे पास सीएसवी फाइल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम जो है वो फाइल्स में जाकर न्यू स्क्रिप्ट फाइल, तो ये आप जो है वो read.csv, तो ये आप जो है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास पोजीशन कहाँ लिखा है, पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज और डॉट csv, और इसको आप डेटा सेट को असाइन कर देंगे, कोई भी वेरिएबल ले लें, ठीक है, ये बस काम नहीं कर रहा मेरा क्यों। तो ये आपने जो है वो डेटा सेट लिया, ये डेटा सेट लेने के बाद आपने ये डेटा सेट रीड कर लिया। अब रीड होने के बाद अब आपके पास जो है वो तो अच्छा जी, ये हमारा करंट टैब है, तो अब इसमें आप यहाँ पर बाकी टैब मैं बंद कर दूँ, अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने जो है वो डेटा सेट के 3 कॉलम्स नहीं लेने, बल्कि आपने जो है वो एक ही दो ही कॉलम्स इसके जो हैं वो लेने हैं। तो आप जो हैं वो डेटा सेट और इसके आगे आप जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और 2 कॉलम 3 ये लिखेंगे, तो इससे आपको जो है वो डेटा सेट के जो हैं वो 2 कॉलम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह आपके पास जो हैं वो 2 कॉलम्स मिल गए। अब आपने जो है वो इसको इसमें मज़ीद कॉलम्स ऐड करने हैं, अगर आपने पॉलीनोमियल करना है पहले, लीनियर के बाद ही ये काम आप करेंगे। डाटा सेट और डॉलर साइन, इसका नाम हम रख देंगे, नए कॉलम का नाम हम रख देंगे level 2, ये नाम हमने रखा इज़ इक्वल टू, इसको कहाँ से हमने जो है वो कैलकुलेट करवाना है, कैलकुलेट करवाना है डाटा सेट लेवल वाले कॉलम का, हम जो है वो क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये कॉलम हमारा क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए हम इसका जो है वो क्यूब लेंगे, तो दूसरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपने जो है वो यहीं तक इस काम को रखना है, तो ये आप जो है वो देख लें, तो इसमें आप जो है वो अब level 2 क्रिएट हो गया, level 3 मैंने सेलेक्ट हुआ था, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज नहीं किया था, तो कॉलम का नाम इसका 3 रखना था, मैंने दोबारा 2 ही रख दिया था, तो जिसकी वजह से डिस्प्ले में वो कॉलम नज़र नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पर जो है मैं level 2 और level 3 देखें, ये हमने जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर लिए, ये समझ आ गई बात, ये बात क्लियर yes, हो गई आप लोगों को? यस सर, जी सर, जी सर, जी सर, यस सर, यस जी सर, ये मैं दोबारा बोलूँगा, सब लोग बोलेंगे कि ये बात क्लियर हो गई आपको कि नहीं हुई? हो गई है सर, जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर ये डाटा सेट सर हम कहाँ से लेंगे सर, हम भी साथ साथ प्रैक्टिकल कर लेते हैं सर। हाँ जी, मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने वैसे शायद पहले लेक्चर में भी बताया नहीं था कि नहीं बताया,
नहीं सर, शेयर कर दें सर, व्हाट्सएप पे कर दें, जहाँ मर्जी कर दें, यहीं व्हाट्सएप पे कर दें। अच्छा सर, इन्हें शेयर कर देते हैं, स्लो चलें। अरे इसके लिए मोबाइल भी सर नेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए सर। हाँ जी कनेक्ट है सर, कनेक्ट है, सुबह से कनेक्टेड है जी सर। आगे सर बिल्कुल मैं वही चेक कर रहा था जब ये कह रहा था कि भाई कनेक्ट क्यों नहीं है, यहाँ तो फिर देर हो गई है, खुद ही वो लॉग आउट हो गया। चलो दोबारा कनेक्ट करते हैं, तरह ये एरर आता है। कुछ देर के बाद वो शायद दोबारा लॉगिन होना पड़ता है। सर लॉग आउट। सर आप कह रहे थे ना ऑनलाइन वर्किंग नहीं करनी, साथ साथ करनी है, तो इसलिए सर आर स्टूडियो डाउनलोड किया हुआ था, मैंने कहा चलो साथ साथ जो है प्रैक्टिकल करते हैं। जी ठीक है, मगर मेरा लेक्चर सुनते रहिएगा, फिर साथ साथ में ये ना हो कि आप लेक्चर ही सुनना बंद कर दें। नहीं सर, वो उस दिन आर स्टूडियो पे सर प्रैक्टिस आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं था, ऑनलाइन की थी प्रैक्टिस सर, तो आपने कहा था नहीं आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लें। पॉलीनोमियल रिग्रेशन वाली स्लाइड भी मैं भेज रहा हूँ और ये भी मैं सेंड कर रहा हूँ, बाकी स्लाइड्स आपको शायद भेजी हुई हैं। जी सर। अच्छा देखें, एक और बात देख लें कि ये जो डाटा सेट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है और कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से कोई भी चीज़ किसी भी अंदाज से कभी भी ज़िंदगी में छुपाना नहीं चाहता। तो आप ये
आपको पहले लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो हैं आपके पास? ये वाला जो लेक्चर इसमें आप ये इस पहले लेक्चर की स्लाइड में मैंने शुरू में पहले दिन ही जो है वो आपको यूआरएल्स बताई थी या मेंशन की हुई हैं यहाँ पर। सर इस लिंक पे गए तो सर डेटा सेट पता नहीं चल रहा था कौन सा डाउनलोड करना है, इसलिए सर आपसे मंगवाया। अच्छा, वो मैं आपको समझा देता हूँ तरीके का कि कौन सा डाउनलोड करना है। कि यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये आपके पास जो है ये वेबसाइट आ गई और यहाँ पर आप जो हैं वो यहाँ पर आपके पास जो हैं ये डिफरेंट डाटा सेट्स अवेलेबल हैं। देखें ये रेग्रेशन के मॉडल्स हैं सारे, रेग्रेशन से रेलिवेंट जो गेट मटेरियल है वो यहाँ पर गेट मटेरियल पर क्लिक करने से मिलेगा। क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे उनका डाटा और उनका सारा जो कुछ भी है, मगर मैं इसको इसलिए दिखाना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता कि स्टूडेंट फिर कोड भी जो है वो यहीं से लिख के देखता है, यहीं से कापी पेस्ट करता है, बिल्कुल अपने हाथ से नहीं गुजारता। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्लस्टरिंग के जो एल्गोरिदम है उनका कोड ये है, ठीक है। एसोसिएशन रूल्स के जो एल्गोरिदम है उनका कोड ये है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मटेरियल ये, तो ये सारे एल्गोरिदम हमने पढ़ने हैं। आपको मेरे इस फोल्डर से भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने इन सब से रेलिवेंट जो है वो स्लाइड्स बनाई हुई हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये कोर्स तो ऑलमोस्ट ये सारे एल्गोरिदम मैं कवर अप करता हूँ। तो ये आपने बहरहाल जो है जब आप ये यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड्स में ये कुछ इस तरह जो है वो आपको मिलेगा। ये सेक्शन 6 सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का आर में जाएंगे तो इसका ये डाटा सेट सैलरी अंडरस्कोर डाटा मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जाएंगे, आर में जाएंगे तो 50 अंडरस्कोर स्टार्टअप डॉट csv ये डाटा इसका मिलेगा आपको, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर जाएंगे, आर में जाएंगे तो इसका पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज डॉट csv ये डाटा जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको आर का कोड भी मिल सकता है, पाइथन का कोड भी मिल सकता है, तो दोनों। आगे चलकर हम स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन की टाइप्स हैं, ये भी पढ़ेंगे तो इनका कोड, इनका इनका डाटा सेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जी समझ आ गई है बात की? जी सर, बोले समझ आ गई है सबको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नाश्ता नहीं किया आप लोगों? नाश्ता किया होता तो ऐसे यस ना कहते, ऐसे ही है ना? जी सर, नो सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ये जो है आप लोगों ने अभी तक हमने ये काम, ये कोड यहाँ तक देखा। अब नेक्स्ट जो है वो इसको जो है वो देखते हैं। तो ये हमने पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल जानबूझ के बनाया और इस मॉडल का जो रेग्रेसर है वो हमने ट्रेंड करके LENREG के अंदर रख लिया। और उसके बाद जो है समरी से ये कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहेगा हमें, किस तरह पता चलेगा अभी मैं बताता हूँ आपको, आगे वो बात आ रही है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि आपके साथ जो है वो डाटा सेट डॉलर साइन लेवल 2 का जो कॉलम है उसको आप जो है वो ये वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और डाटा सेट डॉलर साइन लेवल 3 के कॉलम को ये कैलकुलेटेड कॉलम असाइन कर रहे हैं आप। और उसके बाद जो है आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखते हैं। जब आप सैलरी टिल्ड डॉट लिखेंगे तो इसमें लेवल भी आ जाएगा, लेवल 2 भी आ जाएगा, लेवल 3 भी आ जाएगा, तो ये तीनों कॉलम्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये देखें कि लेवल की जो है वो सिग्निफिकेंट 1 है, मतलब कम है, लेवल 2 की जो है वो उससे जो है वो ये भी एक ही स्टार है, इसमें भी लेवल 3 जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसमें 2 स्टार्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको जो है वो जीजी प्लॉट के थ्रू भी प्लॉट करके जो है वो देख सकते हैं। तो जीजी प्लॉट के कोड को जो है वो आप इसके लिए आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल डॉट पैकेज के थ्रू जीजी प्लॉट 2 पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है।
लाइब्रेरी को अनेबल करना पड़ता है, और लाइब्रेरी लिख के भी कर सकते हैं, चेकबॉक्स से भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। जी जी प्लॉट का फंक्शन आप यूज़ करेंगे और उसमें प्लस के साथ कंकेटिनेट करेंगे, ज्योमेट्रिक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर आपने देने हैं, एक्स जीओ जी जी ई ओ एम अंडरस्कोर पॉइंट, इसके साथ ही ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे, और ए ई एस के अंदर आप एक्स के लिए डाटा सेट डॉलर साइन लेवल लेवल का कॉलम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और वाई में क्या प्रोवाइड करेंगे, डाटा सेट डॉलर साइन सैलरी डॉलर साइन सैलरी कॉमा, दूसरा इसका आर्गूमेंट जो है वो जी ओ एम अंडरस्कोर पॉइंट वाले फंक्शन का जो दूसरा आर्गूमेंट है वो है कलर इज इक्वल टू रेड, ये किस कलर से जो है वो शो होंगे, ये जो है वो रेड कलर से शो होंगे, और इसी तरह जी ओ एम इसके साथ मज़ीद आपने कंकेटिनेट किया, दोबारा कॉल किया जी ई ओ एम ज्योमेट्रिक लाइन ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर लाइन, और उसके अंदर एक्सिस के लिए ई एस का मेथड जो है वो कॉल किया, और इसका आर्गूमेंट एक्स एक्सिस पर क्या हो, एक्स एक्सिस पर डाटा सेट डॉलर साइन लेवल वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वाई एक्सिस पर अब जो है वो आपने डाटा सेट नहीं रखा बल्कि आपने जो है वो प्रेडिक्ट का मेथड यूज़ किया, और प्रेडिक्ट के मेथड में आपने जो है वो क्या पास किया, मॉडल पास किया, लीनियर मॉडल पास किया, जो सिंपल लीनियर मॉडल आपने ट्रेंड किया था आपने उसको प्रेडिक्ट के मेथड में पास किया, क्योंकि आप उसके थ्रू प्रेडिक्शन करवाना चाह रहे हैं किस डाटा के ऊपर, वही जो डाटा सेट आपके पास था उसी डाटा के सेट के ऊपर जो है वो न्यू डाटा को आप जो है वही डाटा सेट प्रोवाइड करें, जो सैलरी पोजीशन अंडरस्कोर सैलरी से जो आपने डाटा सेट जो है वो रीड किया था वही डाटा सेट आप इसको प्रोवाइड करें, क्योंकि डाटा सेट आपका बड़ा स्मॉल था, 10 रोज थी उसमें, इसलिए इसको जो है वो दो पार्ट्स में इसने डिवाइड नहीं किया, ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा एक ही रखा, ठीक है, तो ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब डाटा सेट बड़ी स्मॉल अमाउंट में हो तो फिर उसको दो डिवाइड करना जो है वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हो जाता है कि आपके बहुत सारी रोज़ जो है वो उसमें शामिल नहीं होंगी ट्रेनिंग के अंदर, तो आपने जो है वो सारे सेट को जो है उसमें रखा, क्योंकि डाटा सेट स्मॉल था लार्ज नहीं था, डाटा सेट को आपने जो है वो पूरे के पूरे डाटा सेट के थ्रू ही ट्रेन करवाया, और उसी के थ्रू अब आप जो है वो प्रेडिक्शन कर, तो प्रेडिक्शन के लिए भी वही डाटा सेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके पॉइंट्स जो हैं जो प्रेडिक्शन वाले पॉइंट्स हैं वो किस कलर से शो हों, वो ब्लू कलर से शो हों, ये फिर उसकी कॉस्मेटिक्स हैं कि जी जी टाइटल ग्राफ का टाइटल जो है वो ट्रूथ और ब्लफ, ये लीनियर रिग्रेशन ये ऊपर टाइटल आए, और एक्स लेवल क्या हो लेवल हो, एक्स एक्सिस पर लेवल क्या हो लेवल हो, वाई एक्सिस पर लेवल क्या हो सैलरी हो, तो ये आपने जो है यहाँ पर जो है वो लेबलिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी। तो वाजे तौर पर नज़र आएगा कि एक्स एक्सिस पर लेवल है और वाई एक्सिस पर सैलरी है, ग्राफ का टाइटल ट्रूथ और ब्लफ है, लीनियर रिग्रेशन का ये ग्राफ है, इसमें ये जो रेड डॉट्स थे ये हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को हमने रेड से शो किया था, दोबारा आता हूँ ग्राफ के ऊपर, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास जी ओ जी ई ओ एम ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर पॉइंट के फंक्शन के अंदर हमने जो है वो ए ई एस का जो मेथड कॉल किया था उसके एक्स एक्सिस में हमने डाटा सेट डॉलर साइन लेवल दिया था और वाई एक्सिस में हमने डाटा सेट डॉलर साइन सैलरी दिया था और इसको हमने कलर रेड से शो किया था, तो ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये आपकी जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है जी, समझ आ गई बात। और इसी तरह जो आपके पास जो है वो दोबारा आपने जो है वो जी ओ एम अंडरस्कोर लाइन को आपने यूज़ किया और इसके एक्स एक्सिस में आपने जो है वो एक्स इज इक्वल टू डाटा सेट डॉलर साइन लेवल आपने जो है वो प्रोवाइड किया और वाई एक्सिस को आप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू प्रेडिक्ट का मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं पॉली अंडरस्कोर आर ई जी, ये आपके पास जो है क्या है, ये आपके पास सॉरी मैं आगे चला गया था, तो y इज इक्वल टू प्रडिक्ट में आपने जो है वो क्या पास किया, एल ई एन अंडरस्कोर आर ई जी, एल ई एन वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो कि आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है जिससे आपने रिग्रेसर जनरेट किया था तो वो आपने पास कर दिया और न्यू डाटा इज इक्वल टू डाटा सेट इसको प्रोवाइड कर दिया और इसको आपने कलर इसको ब्लू से शो कर दिया। अब आप ये देखें ये जो रिग्रेशन मॉडल की जो लाइन है जो हमने रिग्रेसर जनरेट किया ये बहुत सारे पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत सारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो हैं वो एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन से उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और जो सी ई ओ वाला लेवल है उसको तो देखें ये कवर अप भी नहीं कर रहा, उसको तो ये कवर अप भी नहीं कर रहा ये अपना, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है
इसका मतलब यह है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो बहुत सारी सैलरीज को जो है वो कवर अप नहीं कर रहा सही तरीके से, इसलिए इस मॉडल के थ्रू अगर हम प्रेडिक्शन करवाएंगे तो हमारी प्रेडिक्शन बेटर नहीं होगी। अगर यही ग्राफ हम जो है जो हमने पॉलिनोमियल वाला मॉडल ट्रेंड किया है उसके थ्रू हम ड्रा करें जी जी प्लॉट, और अब यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या है कि जियो एम अंडर स्कोर पॉइंट में एक्स एक्सिस में आपने क्या रखा, एक्स इज इक्वल टू डाटा सेट डॉलर साइन लेवल, और वाई एक्सिस में उसी तरह आपने डाटा सेट डॉलर साइन सैलरी। ये तो वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हैं जिनको आपने पहले भी रेड से शो किया था, अब भी आपने रेड से शो किया है, प्लस दोबारा आपने जियो एम अंडर स्कोर लाइन को कॉल किया और इसमें अब आपने एक्स एक्सिस पर डाटा सेट डॉलर साइन लेवल ही रखा, मगर वाई एक्सिस पर आपने यहाँ पर कौन सा मॉडल पास किया, पॉली अंडर स्कोर प्रेडिक्ट के मेथड में आपने पास किया पॉली अंडर स्कोर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल जो आपने जनरेट किया था रिग्रेसर, वो आपको याद होगा कि वो रिग्रेसर जनरेट करने के बाद आपने उसे किस वेरिएबल में स्टोर किया था, पॉली अंडर स्कोर आरईजी में स्टोर किया था। तो अब आप प्रेडिक्ट के मेथड को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू प्रेडिक्ट, वाई एक्सिस पर प्रेडिक्टेड वैल्यूज हों, और उसमें आपने जो है वो प्रेडिक्ट के मेथड में पहले आपने अपना जो है वो रिग्रेसर जो है वो मॉडल जो है वो पास किया, ये पॉली अंडर स्कोर आरईजी आपका ये मॉडल है जो के मॉडल, ये मॉडल हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल है और इसको हमने जो है वो मॉडल को पहले डेवलप किया। अब इसी मॉडल के थ्रू हम जो हमारा डाटा सेट इसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस डाटा सेट में ये सैलरीज को प्रेडिक्ट करेगा और उसको वाई एक्सिस पर जो है वो ड्रा करेगा, और इसको जो है वो कलर हम क्या असाइन करें, ब्लू कलर असाइन करें। तो इसकी हेडिंग जो है वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन दे रहे हैं। अब इसका ग्राफ देखें, ये इसका ग्राफ जो है वो नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र ग्राफ आप बोलें? जी सर। इसको ऑब्जर्व करें कि इसके जो रेड ऑब्जर्वेशन हैं जो कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हैं, और ये जो लाइन ब्लू लाइन है इसके ऊपर इसके अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन हैं, हर रेड ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट ब्लू लाइन पर जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये आपकी एस्टिमेटेड है। अब आप ये देखें कि एस्टिमेटेड और एक्चुअल का डिफरेंस कम हो गया। यस सर। बोलें कम हो गया, तब बताएं। यस सर। तो ये जो है हमारे पास यस या नो या बोलना जो होता है ना ऑनलाइन लेक्चर में, ये सबने होता है, ठीक है? तो ये कोई जो है वो एक दो लोगों का फ़र्ज़ नहीं है कि वो यस करके तो चुप कर जाएं। अब आप यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन नोट करें कि सीईओ वाला पॉइंट तो अभी भी कवर अप नहीं हो रहा है। नो सर। सीईओ की जो सैलरी है वो तो अभी भी कवर अप नहीं हो रही, तो क्या करें? यही वो पॉइंट है जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, यही वो पॉइंट है जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि आपने किस लेवल तक की पॉलिनोमियल्स लेनी है। आपने एक्स स्क्वायर पर काम ख़त्म कर देना है, एक्स क्यूब पर काम ख़त्म कर देना है, या एक्स की पावर 4 पर काम ख़त्म कर देना है, 5 पर काम ख़त्म कर देना है, 6 पे, किस लेवल पर आपने काम ख़त्म करना है। अभी आप देखें कि आपके कुछ पॉइंट्स कवर अप नहीं हो रहे, आपका ये वाला लास्ट पॉइंट कवर अप नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पर जो है वो कितने कॉलम्स लिए हुए हैं, आपने यहाँ पर पावर ली हुई है 3, तो आप इसकी पावर को मज़ीद बढ़ाएँ, अभी स्टॉप ना हो जाएँ। आप एक और कॉलम क्रिएट करें डेटा सेट डॉलर साइन लेवल 4 का, एक और कॉलम क्रिएट करें, और उसको आप जो है वो किस तरह कैलकुलेट करें, उसको आप कैलकुलेट करें डेटा सेट डॉलर साइन लेवल और कैरेट का सिंबल या हेड का सिंबल 4, इस तरह आप जो है वो उसकी वैल्यू को आप जो है वो पास ऑन करें। जी समझ आ गई बात? जी सर। अब मैंने आपको ये समझाया कि इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ लग रही है कि हमने जो है अभी कम पॉलिनोमियल्स यूज़ की हैं, अभी हमारे मॉडल में कुछ और पॉलिनोमियल्स की ज़रूरत है ताकि ये भी पॉइंट जो है वो कवर अप हो जाए, ठीक है? हमारी जो लाइन है रिग्रेसर लाइन है वो इस पॉइंट तक पहुंच जाए, वो जरूरी नहीं होता कि वो इस पॉइंट को बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्लेस में जाके जो है वो टच करे, मगर ये है कि अभी ये लाइन जो है वो इसको टच नहीं कर रही, ठीक है? वो दूर से टच करे या जैसे भी हो जितना मर्जी का डिस्टेंस हो, जो है वो इस पॉइंट को भी ये लाइन हमारी टच नहीं कर रही, इधर इसको इस पास ऑन नहीं हो पा रही, तो इसलिए हमें जो है वो यहाँ पर क्या करना है, हम जो है वो यहाँ पर अगर इसी को हम जो है वो मजीद लेवल्स यहाँ पर जो है वो क्रिएट करके देख लें, तो डाटा सेट डॉलर साइन लेवल 4 भी क्रिएट कर लें, तो हमारा जो है वो मॉडल
مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جی سمجھ آئی یہ بات؟ یس سر. یس سر. تو اب جو ہے اس سلائیڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ لیول 3 تک کیا اس نے تو ایسے اس سے جو ہے وہ رزلٹ ملا, اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ جو گراف شو کیا ایڈ ون مور ڈگری, آپ ایک اور ڈگری ایڈ کر دیں, مینز یہ کہ ڈیٹا سیٹ ڈالر سائن لیول 4 از اکول ٹو ڈیٹا سیٹ ڈالر سائن لیول ہیڈ کا سمبل اور اس کی پاور کیا لے لیں, اس کی پاور لے لیں 4. ٹھیک ہے, کیرٹ سمبل بھی بولتے ہیں, ہیڈ سمبل بھی بولتے ہیں اس کو. ویسے یہ پاور کا آپریٹر جو ہے وہ بیسک میں بھی ہے, بیسک لینگویج میں بھی ہے, مائکروسافٹ کی پروڈکٹ میں بھی جو ہے وہ پاور کا سمبل یہی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ہم نے ایک اور پاور لے لی, تو یہ آلموسٹ جو ہے یہ اس کو یہ لائن اس پوائنٹ کو کور اپ کرنے لگ پڑی, اور ہمارا جو ڈسٹینس ہے وہ مزید اچھا ہو گیا. اب آپ نے ایک پرٹیکولر لیول پر جا کر اپنی سیلری جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی ہے, تو آپ جو ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ پریڈکٹ کے میتھڈ میں ایل ای این آر ای جی پریڈکٹ کے میتھڈ میں پہلے لینئر ریگریشن ماڈل کو پاس کیا, اور اس کے تھرو جو ہے وہ ہم نے لیول از اکول ٹو 6.5 پاس کیا. دیکھیں اگر ہم یہاں پر ڈائریکٹلی لیول از اکول ٹو 6.5 پاس کر دیں گے تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایرر مل جائے گا, کیونکہ پریڈکٹ کے میتھڈ کا جو دوسرا آرگومنٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹا فریم ٹائپ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے جو پریڈکٹ کا میتھڈ یوز کیا اس کا جو دوسرا آرگومنٹ ہے یہ ڈیٹا فریم ٹائپ ہے. ڈیٹا سیٹ بیسیکلی کیا ہے؟ ڈیٹا فریم ٹائپ ہے. تو اگر یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹا فریم ہم نہیں اس کو پرووائڈ کریں گے, اس طرح اس ٹائپ کی کلیکشن ہم اس کو نہیں پرووائڈ کریں گے تو یہ یہاں پر ایرر دے دیتا ہے. اسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنا کوئی سا بھی انڈیویجول لیول یہاں پہ پاس کرتے ہیں, مثلا آپ نے ایک 6.5 لیول پر سیلری کو پریڈکٹ کرنا ہے, تو آپ نے پریڈکٹ کے میتھڈ میں کیا کیا, جو لینئر ریگریشن ماڈل آپ نے ڈیولپ کیا, جیسم شاہ سن رہے ہو بات, اب جو لینئر ریگریشن ماڈل آپ نے ڈیولپ کیا جس کے اندر ایل ای این آر ای جی کے اندر آپ نے جو ہے وہ اس کا ریفرنس سٹور کیا, تو اس کو آپ نے یہاں پر پاس کیا اور لیول از اکول ٹو 6.5 آپ پاس کرنا چاہ رہے تھے. آپ ڈیٹا کہاں سے پرووائڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ لیول از اکول ٹو 6.5 ایک پرٹیکولر ویلیو آپ دینا چاہ رہے تھے, آپ پورا نہیں ڈیٹا فریم دینا چاہ رہے تھے. تو آپ نے لیول از اکول ٹو 6.5 کو ایز اٹ از نہیں پاس کرنا, بلکہ اس کو ڈیٹا فریم میں کنورٹ کر کے پاس کرنا ہے. ڈیٹا ڈاٹ فریم آپ کو پتا ہے وہ میتھڈ ہے جو کہ کسی بھی ویلیو کو ڈیٹا فریم میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو ڈیٹا ڈاٹ فریم میں جو ہے وہ ہم نے اسے کنورٹ کیا, اور پھر ڈیٹا ڈاٹ فریم کے اندر ہم نے پاس کیا لیول از اکول ٹو 6.5. تو مینز یہ کہ ہم 6.5 پر لینئر ریگریشن ماڈل کے تھرو سیلری پرڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو 6.5 پر جو لینئر ریگریشن ماڈل نے سیلری پرڈکٹ کی وہ 330,379 جو ہے وہ پرڈکٹ کی. اب ہم جا کر جو ہے وہ ایکچوئل شیٹ میں دیکھتے ہیں کہ 6 اور 7 لیول کے بٹوین سیلری کتنی ہے. 6 اور 7 لیول کی جو سیلری ہے, 6 لیول کی سیلری 150,000 ہے اور 150,000, اور 7 لیول کی سیلری جو ہے وہ 200,000 ہے. تو یہ ہمیں کیا پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ تو ہمیں بہت ہی زیادہ سیلری پرووائڈ کر رہا ہے. یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے جی 3 لاکھ, کتنی اماؤنٹ کیا فگر تھی اس کی, تو یہ تو پرووائڈ کر رہا ہے, یہ تو پریڈکشن کر رہا ہے 330,379. یہ تو کمپنی لاس میں چلی جائے گی اگر اس ماڈل سے پریڈکٹ کرواتے رہے سیلریز. کیا خیال ہے؟ بولیں. اور باقی بھی بولیں کدھر چلے گئے ہیں. جی سر. جی سر. جی سر. تو یہ جو ہے ماڈل صحیح پرڈکٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یس یا نو؟ سب بولیں نو سر. نو سر. یس سر. نہیں پرڈکٹ کر رہا صحیح. اب ہم جو ہیں وہ اسی چیز کو جو ہیں وہ پرڈکٹ کروائیں گے. کس سے ہم اسی چیز کو پرڈکٹ کروائیں گے؟ پولینومیل ریگریشن سے. ہم پرڈکٹ کے میتھڈ میں پاس کر رہے ہیں پولی انڈرسکور ریگریشن, یہ ہم ماڈل پاس کر رہے ہیں, یہ ہم ریگریسر پاس کر رہے ہیں. یہ ریگریسر ہم نے جو ہے وہ پہلے ڈیولپ کیا تھا. جب ہم نے ڈیولپ کیا تھا اس ریگریسر کو تو ایسے ڈیولپ کیا تھا
LM के मेथड में ही हमने जो है वो फार्मूला इज इक्वल टू सैलरी टिल्ड डॉट तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास लेवल था, बाकी तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने जो है वो उसी से क्रिएट किए थे और जो है ये यहाँ पर हमने जो है वो पास कर दिया, उनका स्केयर लेकर हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर हमने उनको पास कर दिया। तो ये जो एजम्पशन मैंने आपको बताई थी मल्टीकोलिनियर वाली, ये सिर्फ मल्टीपल रिग्रेशन में नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल रिग्रेशन में आप जो कॉलम चूज करें वो कैलकुलेटेड कॉलम ना हो, ठीक है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में तो होते ही कैलकुलेटेड कॉलम है, तो इसलिए अगर आपका ध्यान इस तरफ जाए, किसी भी बच्चे ने ये मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, मेरा ख्याल था कि कोई क्वेश्चन करेगा कि आप मल्टीपल रिग्रेशन में तो कह रहे थे कि कैलकुलेटेड कॉलम ना हो और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आप कैलकुलेटेड ही कॉलम पास करें, ये क्वेश्चन करना चाहिए था ना आपको। बोलें ये क्वेश्चन करना चाहिए था ना आपको। यस सर, सुन रहे हैं मेरी बात, मेरा क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? यस सर, यस सर, सारे बोलें। एहसन कहाँ है? एहसन नहीं बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ, पहले भी बोला सर। सर बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा है। तो ये जो है ये जो वो एजम्पशन थी कि वो मल्टीपल रिग्रेशन की थी, वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन की नहीं थी। पॉलिनोमियल रिग्रेशन तो होता ही कैलकुलेटेड कॉलम्स पे है, ठीक है, समझ आ गई ना इस बात की? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इस बात में? तो ये पॉली अंडरस्कोर रिग्रेसर जो मॉडल हमने जनरेट किया था, जब हम इसके थ्रू प्रेडिक्ट करवाएंगे, अब प्रेडिक्ट के फंक्शन में आप देखें पॉली अंडरस्कोर आरईजी को हमने पास किया, जब हमने इसके थ्रू प्रेडिक्ट करवाया तो डाटा डॉट फ्रेम में भी आपने जो है वो लेवल इज इक्वल टू 6.5, लेवल 2 इज इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर, लेवल 3 इज इक्वल टू 6.5 अंडर हेड सिंबल इसकी पावर 3 और लेवल 4 इज इक्वल टू 6.5 की पावर 4। तो ये आपने जो है वो लेवल्स पास किए, फिर उसने जो है जो y प्रेडिक्ट किया, वो क्या किया, 158,862। अब आप मुझे बताएं कि एक्चुअल डाटा को देखते हुए, जो ट्रेंड डाटा था उसको देखते हुए बताएं कि 6 और 7 वाली सैलरी जो है वो 150,000 और 2,00,000 के बिटवीन, अब ये ऑलमोस्ट कुछ करीब तरीन प्रडिक्शन हुई कि नहीं हुई? यस सर, यस सर, यस सर, लेकिन सर इसको 1,75,000 देनी चाहिए थी। हाँ, अभी हमारे पास ऐसे रेग्रेसर मॉडल हैं जैसे रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर, आपने पढ़ा नाम पढ़ा आपने रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन आपने नाम पढ़ा, ठीक है, उसमें जाकर इसको मज़ीद बेहतर करेंगे सैलरी को, ठीक है। तो वो आपको जो है एक मॉडल ऐसा है, मुझे फिगर याद आ रही है कि 1,72,000 तक जो है वो वैल्यू को प्रेडिक्ट कर देता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसको जो है वो इसके दरमियान में आना चाहिए, मगर अब ये मॉडल से हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं, एरर के चांसेस तो थोड़े से होंगे। तो ये बहरहाल जो है ये लीनियर रिग्रेशन से तो बेटर है ना? यस सर, वो तो आपको 3,30,000 प्रोवाइड कर रहा था लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, और लेवल 8 की सैलरी से भी सैलरी प्रोवाइड कर रहा था, और ये आपको जो है वो 1,58,000 सैलरी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है 59,000 के करीब। तो ये ज़्यादा बेटर जो है वो प्रेडिक्शन कर रहा है, ऐसे ही है? यस सर, जी सर, यस सर। तो ये जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो कर रहा है आपकी, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर जो है वो मॉडल है उससे, ठीक है, क्लियर होगी बात? जी सर, जी सर। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो आपका? बोलें सर, हमने यहाँ पे ये लेवल सारे क्यों पास किए हैं? क्योंकि हमने जो है वो उसको पॉलिनोमियल फॉर्म शो करनी थी ना। जब भी आपने पॉलिनोमियल फॉर्म शो करनी हो तो आपने सिर्फ लेवल 6.5 नहीं बताना, बल्कि आपने जो है वो उसके
सारे लेवल जो कि आपने पॉलिनोमियल में डेवलप किए हुए हैं वो सारे बताने हैं, ठीक है? ओके सर। अच्छा तो ये आपका जो है वो बात कंप्लीट हो गई और अब आप लोग जो हैं वो इसको अप्लाई करें। मैं अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो 20 मिनट्स दूंगा और 20 मिनट्स के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया और कुछ लोगों की मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा और जिसने काम ना किया हुआ फिर मैं उसे सख्ती से पेश आऊँगा। तो 20 मिनट्स हैं आपके पास, आप जो हैं वो बेशक जो है वो जो भी जितना भी कोड लिख पाएँ 20 मिनट्स में वो मुझे लिख के दिखाएं, ठीक है सर? सर एक बात करनी है सर आपसे। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिन से, तो सर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अगर मैं आपको शाम तक ये जो काम है करके शेयर कर दूँगी। कौन बोल रही हैं आप? सर रुबीना बोल रही हूँ, 117 रोल नंबर। 117 रुबीना, ये इनका रोल नंबर याद रखिएगा, सीआर साहब या जो भी बंदा है मुझे बता दीजिएगा। आप अपनी किसी फ्रेंड को बता दें, वो मुझे बता दें। मुझे मेरे फ्रेंड सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप देखिए इजाज़त लेकर जाना और सच बता के जाना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हर इंसान के मसले मसाइल होते हैं, तो मसले मसाइल हमारे साथ हैं, अटैच हैं। मुझे भी मसला बन सकता है, आपको भी बन सकता है, तो इसलिए इस चीज़ पर कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं है। जिसको कोई काम हो या कोई मसला हो वो सच बता के चला जाए, कोई उसमें ऐसी बात नहीं। उसकी अटेंडेंस भी लगा दूँगा। तो अच्छा जी, ये अब आप लोग जो हैं वो काम करें। अब मैं अपनी आवाज़ बंद करता हूँ। तो एट 12 PM मैं आपको जो है वो ये चेक करूँगा कि आप लोगों ने कितना काम किया हुआ, ठीक है? तो 12 PM पर हम जो हैं वो बाकी बात को जो है वो डिस्कस करेंगे और स्क्रीन शेयर करके देखेंगे, ठीक है? एग्रीड है, करेंगे ना काम? बोलें यस सर। जी सर। यस सर। जी सर। यस सर। चलें लग जाएं जल्दी से काम की।